हेलो एंड वेलकम टू द के मिडिल ईस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल एंड ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टॉपिक्स। वन इज़ पुर्तगाल बिजनेस वीज़ा एंड बिजनेस माइग्रेशन कंपनी फॉर्मेशन। इफ़ यू वॉन्ट टू माइग्रेट इन पुर्तगाल ऑन बिजनेस वीज़ा देन हाउ यू कैन डू इट एंड अनदर थिंग वी विल ऑल्सो फोकस ऑन द वर्क परमिट ऑफ पुर्तगाल। So on both topics we will try to add some light and if you are new to my channel hit the subscribe button so that you can get all the notification whenever I upload a new video on this channel and मैं अपने सभी viewers को subscribe को thank you बोलना चाहता हूँ जो already regularly मेरी videos को like करते हैं share करते हैं मेरे channel को subscribe करते हैं। तो चलिए हम इस video को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले फर्स्ट वी टॉक अबाउट द पुर्तगाल। पुर्तगाल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्री इन शेनिंगन जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज है। तो पुर्तगाल के अंदर करेंसी जो है वो यूरो चलती है। इफ वी द करेंसी कन्वर्जन रेशियो हम चेक करें इंडियन की INR के अंदर तो ऑलमोस्ट इसकी करेंसी यूरो की 79 और 80 चल रही है एज ऑन करंट डेट। और दराम की हम बात करें तो 4.5 दराम से है जो इसकी एक्सचेंज रेशियो चल रही है यूरो की। सो विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट करेंसी जो आ रही है एज पर नाउ। तो लेस्ट नाउ अगेन इसकी जो कैपिटल है पुर्तगाल की कैपिटल इज लिस्बन। सो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इन लिस्बन विद द एसोसिएट्स ओवर देयर एंड वी प्रोवाइड एंड टू एंड सर्विसेज इफ यू आर लुकिंग फॉर बिजनेस माइग्रेशन इन पुर्तगाल। सो इन दिस वीडियो विल कवर अप सम टॉपिक्स लाइक हाउ यू कैन ओपन अ कंपनी ओवर देयर एंड देयर आर सम एज वेल प्री एग्जिस्टिंग कंपनीज दैट यू कैन बाय एंड most commonly question that I have faced by my clients. I'll try to cover all of the questions and provide you a clear picture that how you can migrate on a business visa as well as we are focusing on work permit also. So मैं again आपको पूरी डिटेल दूंगा इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें ताकि आप अपनी वीज़ा की एटलीस्ट अगर आप पुर्तगाल में माइग्रेट होना चाहते हो और इन फ्यूचर आपको पता चले कि आप कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करोगे और कैसे कैसे आप ये चीज़ ले सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिजनेस की बात करते हैं। वेन एवर आई एम फेसिंग सम क्लाइंट इन माय ऑफिस जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पुर्तगाल के अंदर तो मैं सबको बताना चाहता हूँ देर इज़ नो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द कैपिटल। बहुत सारे लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है दैट वट शुड बी द अमाउंट हमको वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू स्टार्ट अप अ न्यू बिजनेस और टू बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो पुर्तगाल के अंदर पुर्तगाल गवर्नमेंट ने कोई भी मिनिमम कॉस्ट नहीं रखा हुआ है। यू कैन स्टार्ट अप योर बिजनेस बाय जस्ट 5,000 यूरो से लेके एन नंबर तक 5,000 यूरो से लेके 200,000 यूरो लगा दो 500,000 यूरो लगा दो इट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट। तो देर इज नो मिनिमम बजट और मिनिमम रिक्वायरमेंट बट योर बिजनेस शुड बी लाइक दैट कि आप वहाँ पे रह के अपने आप को सर्वाइव कर लो अपनी फैमिली को सर्वाइव कर लो और उस कंट्री को लिटिल बिट कंट्रीब्यूशन दो उस कंट्री को टैक्स दो टैक्स जनरेट करो जॉब क्रिएट्स करो ओनली तभी आपको वहाँ पे बिजनेस माइग्रेशन मिलेगी। अगर आपका बिजनेस प्लान ऐसा होएगा कि आप उनको टैक्स जनरेट करोगे और वहाँ पे रह के सफिशेंट आप एक इनकम जनरेट कर लोगे ताकि आप अपने अपनी फैमिली के लिए अपने लिए सफिशेंट पैसा निकाल सको रिटर्न्स निकाल सको और उसका टैक्सेशन आप कंटिन्यूसली पे करो ताकि उनकी इकोनॉमी भी बूस्ट हो और वहाँ पे जॉब क्रिएशन हो। अगेन जॉब क्रिएशन की वहाँ पे कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको 2-4-5 साल जॉब्स करनी ही करनी है लेकिन स्टिल वहाँ पे जो आपकी बिजनेस माइग्रेशन है इट इज़ इंटायरली डिपेंड ऑन योर रिटर्न और प्रॉफिट टू द कंट्री।
कि आप वहां पे आप अपना सर्वाइवल कैसे करोगे, इतना पैसा सफिशिएंट पैसा आप निकाल पाओगे, और वो कंट्री के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे, उसकी सोशल जो बेनिफिट्स होते हैं वहां पे उसके ऊपर आप कितने लायबल हो। वहां पे आपको फ्री मेडिकल मिलता है, फ्री एजुकेशन मिलता है आपके बच्चों को, आप अगर उनको अवेल कर रहे हो तो डेफिनेटली दे आर लुकिंग अगेन समथिंग फ्रॉम योर साइड एज वेल एज ऑन द शेप ऑफ टैक्सेस और वैट और समथिंग एंड ऑल दैट। इफ इट इज ओके देन दे विल ग्रांट यू द रेजिडेंसी परमिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल, देर इज नो मिनिमम कैपिटल। वन क्वेश्चन दैट कॉमनली आस्क अ बिजनेस माइग्रेशन पर्सन टू मी इन अ पर्सन। अनदर टॉपिक इज दैट यू नीड टू व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू वॉन्ट टू ओपन। सो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, दे ऑफनली आस्क टू मी दैट वट बिजनेस वी विल स्टार्ट ओवर देयर। सो इट्स नॉट लाइक आई सजेस्ट यू द वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल, इट डिपेंड्स वट काइंड ऑफ नॉलेज दैट एक्चुअली डू यू हैव। बिकॉज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मेरे को मेरे काम की नॉलेज है, आई नो दैट हाउ टू मेक अ एप्लीकेशन, हाउ टू सबमिट एप्लीकेशन एंड हाउ टू डील विद द इमिग्रेशन, हाउ टू डील विद द एम्बेसीज एंड वट दे आर लुकिंग फॉर, हाउ वी कैन क्रिएट कनेक्शंस इन ओवरसीज, वी आर एक्सपर्ट इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। अगर मैं वहाँ पे जाके एक रेस्टोरेंट खोलूँ, इस काम को छोड़ दूँ, सो इज डजेंट मीन दैट आई विल डू दैट मच बेटर, नो ये पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर आपके माइंड में भी ये चीज़ है कि मैं क्या वहाँ पे बिजनेस खोलूँ, सो इट लुक इनसाइड ऑफ योर्स, आपको किस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज है। आपको एक रेस्टोरेंट रन कर सकते हो, आपको कुकिंग की ज़्यादा एक्सपर्टीज है तो आप रेस्टोरेंट खोलो, स्वीट शॉप खोलो। आपको कोई ट्रेड है, स्किल है आपके अंदर, कोई वेल्डर हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो तो आप उस चीज़ की खोलो। आप एक कंसल्टेंट हो तो आप उस चीज़ की खोलो। आप एक डेंटिस्ट हो तो आप उस चीज़ का कुछ ओपन करो। आप एक टीचर हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टीच करते हो तो ट्यूशन क्लासेस एट्सेट्रा। आप फोटोग्राफर हो, आपको एडिटिंग की वीडियो की नॉलेज है तो एज ए फोटोग्राफी शुरू करो। बार्बर हो, आपको कटिंग शटिंग का शौक है, मेल्स फीमेल का, आपको हेयर कट का काम आता है, ब्लेंडिंग का, कलरिंग का, तो आप वो वाला काम कर सकते हो। सो बेसिकली व्हाट कैटेगरी ऑफ बिजनेस यू वांट टू स्टार्ट, इट्स अपॉन यू। जो कॉमनली बिजनेस हर कोई बंदा कर सकता है वो जनरल होता है, जैसे एक सुपर मार्केट मार्केट खोल लिया, थोड़े से लिंक कनेक्शन चाहिए उसके लिए कि कहाँ से सामान लेना है, कहाँ से खरीदना है, बट आपके पास में कैपिटल होना चाहिए और विद द एक्सपीरियंस और ऑफ 2 3 4 मंथ्स यू विल गेट हाउ टू रन योर बिजनेस ओवर देयर। तो ये कॉमनली जो बिजनेस होते हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आप सुपरमार्केट के लिए जा सकते हो, या आप कोई छोटा सा कैफेटेरिया खोल सकते हो जिसमें टी कॉफ़ी की स्टॉल लगा के कर सकते हो, या फिर वहाँ पे काफ़ी सारे ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकली ई जो कमर्शियल पे चलती हैं चीज़ें, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्ड्री शॉप होती है, ई लॉन्ड्री शॉप। उसमें क्या है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने वहाँ पे कंपनी से सेटअप होके आएगा, आपकी दुकान में पूरी लॉन्ड्री की मशीन्स लगा देंगे आपके लिए, वॉशिंग मशीन की। वहाँ पे लोग जाएंगे पर आवर के हिसाब से, उसमें कॉइन डालेंगे 1 यूरो, 2 यूरो, 3 यूरो एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो आपने वहाँ पे जाके सर वो कलेक्ट करना है। सो सम इन जनरल ऑप्शंस भी होती हैं बिजनेस की, बट बिजनेस वही करो जिसकी आपका नॉलेज है, उसी बिजनेस में आप बूम कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, हैंडसम सैलरी और हैंडसम इनकम आप ले सकते हो। तो ये सेकंड क्वेश्चन है जो कवर हो गया है वहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन इस कि आपको कोई इंग्लिश या आयलर्स की रिक्वायरमेंट है, तो नहीं है। अगर आप वहाँ पे पुर्तगाल में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, देर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर इंग्लिश, देर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर आयल्स, बट स्टिल आप एक इंटरनेशनल लैंग्वेज इंटरनेशनल कंट्री के अंदर जा रहे हो, आप अपने कंफर्ट लेवल को छोड़ रहे हो, आप अपनी होम जो कंट्री की लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज, उसको छोड़ रहे हो। इंडिया में हिंदी आती है नेटिव लैंग्वेज हमारी, लेकिन हम जा रहे हैं किसी इंटरनेशनल लैंग्वेज में। सो एक ग्लोबल लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है, ओनली देन यू कैन सर्वाइव योर सेल्फ। अगर आपको इंग्लिश आती है एट दैट लेवल इज इनफ दैट यू यू कैन डिलीवर योर कॉन्टेंट, दैट वट एग्जैक्टली यू वॉन्ट टू से टू द अनदर पर्सन। इफ दे आर एबल टू गेट यू एंड दे आर यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद अनदर पर्सन, इट इज़ वेरी गुड, यू आर एबल टू गो ओवर देयर एंड यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। अगर आप इतनी भी इंग्लिश नहीं जानते कि आप क्या कहना चाहते हो और क्या अंडरस्टैंड करवाना चाहते हो नेक्स्ट पर्सन को, सो फर्स्ट आप कुछ ग्लोबल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है
इज वाइडली स्पोकन इन ऑल ऑफ द कंट्रीज, मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज के अंदर बोली जाती है। तो एक एक ना आपको ऐसी लैंग्वेज आनी जरूरी है, और पुर्तगीज भी आप सीख सकते हो, बिकॉज आपको वहाँ पे लोकल क्लाइंट, लोकल कस्टमर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और अनदर एडवांटेज, पुर्तगाल के अंदर अगर आप जाते हो तो वहाँ पे वंस यू हैव योर रेजिडेंसी तो आप पुर्तगीज की फ्री क्लासेस भी ले सकते हो, बिकॉज द एजुकेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट ओवर देयर। तो अगर आप वहाँ पे जाके लैंग्वेज सीखना चाहते हो, वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पुर्तगीज के लेक्चर्स देंगी आप वहाँ पे उनकी लैंग्वेज सीखने के लिए। तो ये लैंग्वेज की बात आ गई, बिजनेस कैटेगरी की बात आ गई, और कैपिटल की बात आ गई। अनदर, आप वहाँ पे जाके बिजनेस कैसा ले सकते हो? जी, वहाँ पे बिजनेस लेने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं, हमारे पास भी हैं, हमारे यानी कि एसोसिएट जो होते हैं वहाँ पे रजिस्टर्ड एजेंट हैं। मेरा खुद का पर्सनल कोई ऑफिस नहीं है, हमारे रजिस्टर्ड एसोसिएट एजेंट्स हैं वहाँ पे, जो आपकी एंड टू एंड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, ड्यू टू दिस COVID-19 मैनी बिजनेस वहाँ पे कोलैप्स हो गए हैं, बिकॉज द होल वर्ल्ड हैव टू फेस दिस डार्कनेस ड्यू टू दिस COVID-19। बहुत सारे बिजनेस ऑन सेल पे हैं, तो दिस इज द वन एंड द बेस्ट ऑप्शन इफ यू वर लुकिंग फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस मतलब जो ऑलरेडी बिजनेस वहाँ पे रजिस्टर्ड है, जिसका ट्रेड लाइसेंस है, कमर्शियल लाइसेंस है, ऑफिस है, सेटअप है, वहाँ पे वेयर हाउस, वहाँ पे हर चीज़ बना हुआ है। ये आपको मैं न्यू कमर्स के लिए, जो न्यू बिजनेस पर्सन होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप न्यू कंपनी फॉर्मेशन को छोड़ के एग्जिस्टिंग बिजनेस ही बाय करो। द रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज आप एक चला चलाया बिजनेस लेते हो, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द रेगुलर क्लाइंट्स। जो आपके रेगुलर क्लाइंट हैं वो आपके लगे ही लगे हुए हैं। अनदर थिंग, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सेटअप ऑफ इक्विपमेंट्स ओवर देयर। जो भी एक बिजनेस के अंदर, व्हाट्स एवर द कैटेगरी ऑफ इट, कुछ ना कुछ तो चाहिए, एटलीस्ट कुछ मशीन चाहिए। जैसे मेरे बिजनेस के अंदर लैपटॉप, प्रिंटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स और स्टाफ टेबल, चेयर्स, ये चीज़ें चाहिए। तो रेस्टोरेंट में कैफे का मशीन, रेस्टोरेंट में कुकिंग के लिए इक्विपमेंट्स, टेबल, ये पूरा चाहिए, वेटर्स चाहिए। तो ऐसा वहाँ पे ऑलरेडी सेटअप ऑलरेडी होएगा अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदते हो। सो आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कहाँ से लेना है और कैसे सेटअप करना है, कैसे अप्रूवल लेनी है, बिकॉज बिजनेस सेटअप करने पे अप्रूवल भी लेनी पड़ती है वहाँ पे इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से। तो उनसे एक बिजनेस प्लान को अप्रूव करना पड़ता है, उनसे कैपेसिटी को अप्रूव करना पड़ता है, आपकी एक्टिविटीज़ वहाँ पे, आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करोगे उस चीज़ की अप्रूवल लेनी पड़ती है, आपके टैक्स नंबर्स को अप्रूव करवाना पड़ता है बैंक में जाके, सेफ के अंदर जाके, देन आप अपना रेजिडेंसी लेटर ऑन उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीद रहे हो तो आपको सिर्फ सिर्फ वहाँ पे जो ऑनर है उसका, प्रीवियस ऑनर, उसे ट्रांसफ़र करना है, आप अपने नाम पे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई द रेजिडेंसी ऑन इट। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदते हो, और हमारे पास नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। व्हाट्स एवर व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी और बिजनेस यू आर लुकिंग फॉर, यू कैन इंटीमेट अस एज वेल। तो हम उस कैटेगरी का अगर है वहाँ पे कोई सेल पे, तो डेफिनेटली वी विल टेल यू। तो अगर आपको डील अच्छी लगे तो देन यू कैन फर्दर कॉन्टेक्ट टू आर एसोसिएट ओवर देयर इन पुर्तगाल, सो दे विल गाइड यू प्रॉपरली अबाउट दिस। सो ये है बिजनेस के सेटअप के रिलेटेड। एग्जिस्टिंग बिजनेस भी खरीद सकते हो, नया कंपनी भी खरीद सकते हो। अभी नया कंपनी रजिस्टर करने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग विद द न्यू कंपनी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपको तभी अप्रूवल देगी अगर आप उनकी कंट्री के लिए कुछ बेनिफिशियल उस बिजनेस को दिखाओगे। उसकी कंट्री को एक बिजनेस प्लान दिखाना है जिसके अंदर ये चीज़ क्लियरली मेंशन होनी चाहिए दैट व्हाट काइंड ऑफ कैटेगरी यू वांट टू स्टार्ट हियर एंड हाउ दिस कैटेगरी विल बी हेल्पफुल फॉर देयर कंट्री एज रिजल्ट ऑफ टैक्सेस और वैट। तो आप उनकी कंट्री के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट करोगे, और अनदर थिंग वो ये चीज़ चेक करेंगे कि आप उससे कितनी रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली ले पाओगे, ताकि आप अपने आप को भी वहाँ पे सरवाइव कर लो, अपनी फैमिली को वहाँ पे सरवाइव कर लो, और जो भी उसमें एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी निकालने के बाद में स्टिल
आप कंट्री को क्या कंट्रीब्यूट कर रही हो। अगर आपका बिजनेस प्लान उनको अच्छा लगे तो आपको अप्रूवल इजीली मिल जाती है और आप वहाँ पे कंपनी सेटअप करके अपना काम शुरू कर सकते हो यार। तो कोई भी बिजनेस है उसका सॉलिड एक प्लान होना चाहिए आपके माइंड में, और आपको प्रैक्टिकली नॉलेज आनी चाहिए, तो ही आप सक्सेसफुल हो जाओगे वहाँ पे इजीली। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, 5,000 यूरो से लेकर नंबर तक वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं पर्सनल एडवाइज़ है कि आप एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदें ताकि आप वहाँ पे जा पाएं। ये सारी डिटेल है बिजनेस माइग्रेशन के लिए। इसके लिए एज वार भी कोई नहीं है। इफ़ यू आर एज ऑफ 55 और 60 स्टिल यू आर एबल टू गो विद द बिजनेस माइग्रेशन। अनदर हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट यू कैन वी हैव टू कंटिन्यू स्टे इनसाइड द कंट्री और वी कैन लीव आउटसाइड द कंट्री। बिकॉज बिजनेस ओरिएंटेड जो पर्सन होते हैं, जो बिजनेस माइंडेड पर्सन होते हैं, वी मल्टी नेशनल कंपनीज के बारे में हमने सुना है कि बंदा एक होता है, उसकी हर कंट्री में कंपनी होती है। सो ऐसे बंदे बहुत सारे बिजी रहते हैं, बहुत सारी ट्रैवलिंग करते हैं थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द ईयर्स। तो आपको पुर्तगाल के अंदर कंटिन्यूसली रहने की ज़रूरत नहीं है। पुर्तगाल गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबल किया हुआ है दैट इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर हेयर इन पुर्तगाल और यू आर अ मैनेजर इन पुर्तगाल, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 4 months। यू हैव टू बी इनसाइड द कंट्री थ्रू आउट द ईयर एटलीस्ट फॉर द 4 month टू कंटिन्यू योर रेजिडेंसी। तो आप अपनी रेजिडेंसी को कंटिन्यू कर सकते हो अगर आप 1 साल के अंदर 4 महीने वहाँ पे रहोगे। तो 8 महीने आप आउटसाइड कंट्री रह सकते हो, आप अपने सेकंड बिजनेस को या ओवरसीज बिजनेस को लुक आफ्टर कर सकते हो, रन कर सकते हो, वहाँ पे जा सकते हो। एवरी ईयर यू हैव टू बी इनसाइड द कंट्री फॉर 4 months। इफ इट इज़ ओके देन यू कैन गो ओवर देयर एंड यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। तो हम सोशल बेनिफिट्स की बात कर ले, वहाँ पे ऑल द सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं बिजनेस पर्सन को भी। अगर आप रेजिडेंसी लेते हो बिजनेस के बिहा पे ऊपर, आपको मेडिकल फ्री है इफ़ यू हैव द केयर्स, उनको एजुकेशन फ्री है विद द पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओवर देयर। तो फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल पेंशन प्लान्स एज वेल वहाँ पे आपको प्रोवाइड होते हैं। और अगर आपके वहाँ पे बच्चे होते हैं तो बच्चों की टेक केयर के लिए भी आपको पर मंथ उनकी गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ फंडिंग मिलती है टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो बहुत ही बड़ा एडवांटेजेस है। और वहाँ पे बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उनको सिटीजनशिप मिलती है इफ़ यू आर अ लीगल रेजिडेंट ऑफ पुर्तगाल। अनदर बेनिफिट क्या है कि अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, सो अनदर शेनिंगन कंट्रीज के अंदर, देर आर 26 शेनिंगन कंट्रीज, तो पुर्तगाल में अगर आपका ऑफिस है देन आप अपना ब्रांच ऑफिस किसी भी शेनिंगन कंट्री के अंदर खोल सकते हो। वेदर इट इज़ अ जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, स्वीडन, पोलैंड, पुर्तगाल, देर इज नथिंग टू मैन वरी अबाउट। आप अपना ब्रांच ऑफिस वहाँ पे जाके खोल सकते हो और आप अपने आप को या आप अपने एम्प्लॉय को वहाँ पे माइग्रेट कर सकते हो टू लुक आफ्टर योर ऑन बिजनेस। ये एक बहुत ही बड़ी एडवांटेजेस है। आप अपना बिजनेस एक बार सेटअप करो पुर्तगाल के अंदर, लेटर ऑन आपने इटली जाना है, जर्मनी जाना है, स्वीडन जाना है, आपको वो कंट्री ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप वहाँ पे अपना ऑफिस खोल सकते हो, ब्रांच ऑफिस। और आपको ड्यूल वैट देने की भी ज़रूरत नहीं है। अनदर एडवांटेज इज बिकॉज द वैट सिस्टम इज़ इक्वल इन द शेनिंगन। दैट मीन्स अगर आप पुर्तगाल के अंदर वैट दे रहे हो और आपको जर्मनी के अंदर सेम बिजनेस के अंदर इफ़ यू हैव अ ब्रांच ओवर देयर, दो कंट्री के अंदर सेम सेम वैट देने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी बिग एडवांटेजेस ओवर देयर। आपको पूरे शेनिंगन की एक्सेस मिल सकती है, आप फ्रीली कभी भी ट्रैवल कर सकते हो। बिजनेस के लिए आप 26 कंट्रीज में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही बड़ा मार्केट है वहाँ पे शेनिंगन के अंदर। हर बंदा जब भी माइग्रेट होता है स्टार्टिंग में सभी को प्रॉब्लम आता है, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा में जाओ, वर्क परमिट में जाओ, बिजनेस माइग्रेशन में जाओ। मेक योर माइंड लाइक यू हैव टू फेस द डिफिकल्ट सिचुएशंस फॉर एटलीस्ट 6 months। तो 6 month तक आपको बहुत वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है। लेटर ऑन यू विल बी फैमिलियर विद द एटमोसफेयर, यू विल बी फैमिलियर विद द सराउंडिंग्स ओवर देयर। लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन के लिए आपको पता चल जाता है और क्या अच्छा है क्या बुरा है यू विल अवेयर अबाउट विद इन 6 month और नियर अबाउट टाइम, डिपेंड ऑन अ पर्सन। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड को प्रिपेयर करके जाओ अगर आपने पुर्तगाल जाना है। बहुत ही बड़ी मार्केट है, बिजनेस ओरिएंटेड कंट्री है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और पुर्तगाल इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन शेनिंगन, दोज आर ऑफरिंग रेजिडेंसी इन वेरी ईज और विदाउट एनी कंडीशन। इसमें कोई आलस नहीं चाहिए, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, कोई मिनिमम कैपिटल नहीं चाहिए।
एक आपके माइंड में सिर्फ अच्छा बिजनेस प्लान, अच्छा बिजनेस आइडिया होना चाहिए। उस बिजनेस प्लान से आप अपने आप को भी खाना दे सको और उनकी कंट्री को भी कंट्रीब्यूट करो। आप अपनी लुक आफ्टर भी कर सको अच्छे से वहाँ पे और उनकी कंट्री को भी कंट्रीब्यूट कर सको। अगर ये चीज़ वहाँ की इकोनॉमी डिपार्टमेंट को समझ में आ गई आपके बनाए हुए बिजनेस प्लान से, तो आपको ईजिली अप्रूवल मिल जाती है वहाँ पे बिजनेस सेटअप करने की। सो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस। नाउ वी आर अगेन फोकसिंग ऑन द वर्क परमिट। वर्क परमिट अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट वर्क परमिट, अनदर वन इज TRC। अभी जो डायरेक्ट वर्क परमिट का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, इस वीडियो को और ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ। TRC के लिए छोटा सा हम शॉर्ट सा बात करते हैं। फुल डिटेल में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है TRC के लिए, ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, आप उस लिंक को क्लिक करके मेरी TRC की वीडियो देख सकते हैं फॉर वर्क परमिट। TRC आप विजिटर वीज़ा के ऊपर वहाँ पे जाके इजीली अवेल कर सकते हो। अगर आपको वहाँ पे कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी आपको जॉब ऑफर कर रहा है ओवर देयर, इफ़ यू आर ऑन अ सी कैटेगरी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, स्टिल आप इनसाइड कंट्री रह के ही आप अपनी रेजिडेंसी परमिट ऑन ग्राउंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अप्लाई कर सकते हो और वो कंपनी ही लुक आफ्टर करेगी आपकी TRC के लिए। आपको वहाँ पे जो काम करना है, लीगल रहना है कंट्री के अंदर, कोई लीगल एक्टिविटी नहीं करनी है और अपना टैक्स कंटिन्यू काम करके टाइम पे करते रहना है। पर मंथ आपकी टैक्सेशन जाएगी तो आपके टैक्स के ग्राउंड के हिसाब से ही आपको रेजिडेंसी परमिट मिलेगा। टैक्स मिस नहीं करना है, ये आप माइंड में रखो। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हम TRC अप्लाई करते ही अपनी कंट्री में आ जाते हैं, इंडिया में, UAE में। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन ग्राउंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप जॉब के ऊपर अपनी TRC अप्लाई करते हो, सो इट इज़ नॉट नॉट पॉसिबल दैट यू कैन कम बैक अनटिल यू डोंट हैव द रेजिडेंसी इन योर हैंड। तो आपको वहाँ पे एटलीस्ट 8 महीने से 1 साल तक वेट करना है, वहीं पे रहना है। जब आपकी रेजिडेंसी आपके हाथ में आ जाएगी, देन यू कैन कम बैक। अनदर बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन है कि हम अपनी फैमिली को वहाँ पे कब बुला सकते हैं। सो ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। डिपेंड ऑन द प्रोफाइल, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है फैमिली को बुलाने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रेजिडेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। दैट मीन्स आपको अपना TRC आपके हाथ में होना चाहिए। अनदर आपके हाथ में एक रेगुलर जॉब होनी चाहिए, उस जॉब के फंडिंग होनी चाहिए आपके पास में, इनफ सेविंग होनी चाहिए अपने बैंक अकाउंट में, और आपको वहां पे अकोमोडेशन के लिए रेंटल भी हो सकता है, आपका खुद का भी हो सकता है, घर लेना पड़ेगा। अगर आपके पास में इनफ स्पेस है, आपने एक घर को, एक अपार्टमेंट को रेंट आउट किया हुआ है जिसके अंदर आप अपनी फैमिली को अकंपनी कर सकते हो, तो और आप एक रेगुलर अर्नर हो, आप जॉब या बिजनेस करते हो, आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड है ताकि आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सको, इन दैट केस आप अपनी फैमिली को वहाँ पे बुला सकते हो। फैमिली के लिए पुर्तगाल बहुत इजी है, बहुत सारे सोशल बेनिफिट देता है, फ्री मेडिकल देता है, फ्री एजुकेशन देता है, पेंशन प्लान है, बच्चों के लिए बहुत सारे ऑफर्स हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक आप अपनी फैमिली को वहाँ पे बुला सकोगे अगर आप एक अच्छे तरीके से मेहनत से काम कर रहे हो। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है फैमिली रीयूनियन के लिए पुर्तगाल के अंदर। जॉब के लिए फुल डिटेल के लिए ऊपर और डिस्क्रिप्शन में मैंने TRC का लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके पूरे वर्क परमिट के लिए डिटेल ले सकते हो। ये मेरा छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो विद द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट दे कैन आल्सो गेट हेल्प फ्रॉम दिस। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे रेड कलर का बटन है उसको क्लिक करो, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल के ऊपर क्लिक करो सो दैट वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड एट द सेम टाइम। एंड आप ऐसे ही फ्री में अच्छी सी इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकें। मेरे को इन पर्सन मिलने के लिए आप मेरे ऑफिस में मिल सकते हो फ्रॉम मंडे टू सैटरडे और फ्रॉम मॉर्निंग 11 टू ऑनवर्ड्स 9 मैं वहाँ पे अवेलेबल होता हूँ। 3 to 4 देर इज़ ए लंच टाइम, तो दोपहर में 3 से 4 बजे भी नहीं आना आपने। और मेक श्योर कि आप पहले कॉल करो, कॉल करके डेट और टाइम कंफर्म करो सो दैट आई कैन इन पर्सनली मीट यू। बिकॉज सम टाइम क्या होता है, मैं कहीं बाहर हूँ या किसी और बिजनेस से इधर उधर कहीं किसी कोई काम कर रहा हूँ, सो नॉट एबल टू बी इन ऑफिस ऑल द टाइम। सो वहाँ पे दूसरे लड़के होते हैं, वो आपको कंसल्ट करेंगे। अगर आपने मेरे से ही मिलना है तो आप मेरे को आके ऑफिस में मेरे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हो। तो ये छोटा सा वीडियो है, अगर आपको लाइक अच्छा लगे इसको लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।